हम आए हैं यहाँ पर एक सांप रेस्क्यू करने, जिससे अभी एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए हैं और जो व्यक्ति था उसको यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है। तो उसके बाद यहाँ से अभी देखते हैं कौन सा सांप है, किसने काटा है और क्या ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और अस्पताल में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रीन पग्गी दूर से तो ये जो स्नैक है ये ग्रीन पिट वाइपर है। ये बहुत ज्यादा वेनम होता है, ये हाईली वेनमस होता है। उसके बाद में इसको काटने से इंसान की मौत भी हो सकती है। एक लकड़ी लाना छोटी सी काटू बैंड ये चालू रहेगा। पिल्लू निकाल दी मंडी। पकड़ लेगा उसको। तो ये जो है ये ग्रीन पिट वाइपर है, इसने ही अभी वाइट किया हुआ है। और इसके दांत बताता हूँ मैं आपको, जिसमें बहुत ही ज़्यादा वेनम की मात्रा होती है। तो ये जो इसके दांत देख रहे हैं आप, दूर हो जाओ बेटा, दांत आप लोग लग जाएंगे। ये दांत है इसके, ये बहुत ही ज्यादा हाईली वेनेमस सांप होता है। ये इसी के दांत में जो वेनम ग्लैंड होता है इसी से ये लोगों को मार देता है। तो इसके ये दो दांत आप देख रहे हैं, और इसका जहर जितना दूर देर तक मैं इसमें पकड़ूंगा तो ये लकड़ी गीली होती रहेगी, इसमें जहर गिर रहा है, जो इनका वेनम है वो गिर रहा है। ठीक है, तो अब अपन इसको पकड़ करके जंगल में छोड़ेंगे। खींचना नहीं, खींचना नहीं, फॉरेस्ट में ले जाते हो अभी वो ना के कोई मतलब। ठीक, हटो हटो यहां से। आप मुझे एक डब्बा दे दो, कुछ दे दो, बोरी दे दे, बोरी दे दे बेटा, बोरी नहीं, एक डब्बा दो, डब्बा प्लास्टिक गेम पैक करें, वो तो रखे ऊपर बंद है, एक डब्बा लिया ढक्कन वाला। अरे छोटा डब्बा दे दो यार, इतना बड़ा तेल मसाला। अरे बॉटल बॉटल कुछ दे दो, बॉटल दे दो, वो बड़ी बात है, वो बड़ी, वो नहीं यार उसमें जाएगा नहीं वो। अरे वो डब्बे रखे हैं यार पीछे, वो एक डब्बा खोल देना, एक डब्बा लिया ढक्कन वाला, क्यों छुटकी कर दो पड़े बंद पिंकी देख रहे हैं गोरी डब्बे में। तो इसे अभी हमने इस डब्बे में पैक करके इसे जंगल में छोड़ा जाएगा, और जिस व्यक्ति को काटा है उसे भी देखने जाएंगे और उसे भी दिखाएंगे कि ये सांप था, और घबराए ना आप, सांप को पकड़ लिया गया है, और जो भी ट्रीटमेंट है ये सांप को दिखा करके हो जाएगा कि इसमें न्यूरोटॉक्सिक है कि हेमोटॉक्सिक है कि क्या कंटेंट पाए जाते हैं, इसके अनुसार भी इलाज हो जाता है। ठीक है, आसपास की वीडियो ले लो, पब्लिक चल रही है, देखने के लिए हम उसको हॉस्पिटल जा कर के देखते हैं क्या कंडीशन। एक बार फिर बोल, ठंडू नहीं रहते ना दूध, चाप आप उठा।
हम आ चुके हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसके बाद में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या स्थिति है वो देखते हैं। पकड़ लिए सांप वो है? नहीं, सांप पकड़ा गया वो। पकड़ा गया? हाँ। अच्छा क्या हो गया? अरे प्लीज रिकॉर्डिंग मत करिए, प्लीज 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 भैया भैया मत करो मत करो मत करो। तो अभी हमने जो सांप रेस्क्यू किया था और जो सांप वाइट किया था, इस सांप ने जो है जिस व्यक्ति को गाइड किया था, हम उससे मिलकर आए हैं और उसका प्रॉपर यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसके बाद अभी हम हॉस्पिटल से उसको रिलैक्स करवा करके और डॉक्टर से बात करके कि क्या सही उचित इलाज हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ बढ़िया इलाज हो रहा है। तो अभी हम देख करके और यहाँ से जा रहे हैं। और वैसे आपको बताना चाहूँगा कि अगर सांप आपको कभी काटता है तो ज़्यादा आप घबराएं ना। और उसके बाद में सांप अगर जहरीला है तो दो दांत के निशान हमेशा आपके हाथ पे या शरीर पे बनेंगे, और बिना जहरीला सांप होता है, नॉन वेनेमस होता है, तो उसके ज़्यादा दांतों के निशान होते हैं। तो अभी लोगों ने बोला कि हमने कि ओझा से, झाड़ फूक से और उसके बाद में बाबा बैरागियों से हमने इसको झड़वा दिया था। तो ऐसा कभी कुछ मत कीजिएगा, कोई भी झाड़ फूकने के वाले के पास आप नहीं जाइएगा। सबसे पहले आप जो प्राथमिक उपचार है, आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे हर जगह एंटी वेनम प्रोवाइड किया जाता है, तो आप सबसे पहले आ करके आप उस हॉस्पिटल में इलाज करवाइए, उसके बाद में कहीं जाइएगा। तो अभी जो सांप रेस्क्यू किया है इसको हम यहाँ पर छोड़ने आए हैं, तो इसे इसके प्राकृतिक आवास में हम इसको छोड़ रहे हैं। और इसकी भी जान हमने इंसानों से बचा ली है, और जिस व्यक्ति को इसने काटा था उनकी भी जान बचाने की कोशिश हमारे यहाँ के डॉक्टर लोग कर रहे हैं। तो आइए इसे हम इसके प्राकृतिक आवास में हम इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो ये ग्रीन पिट वाइपर था जिसे हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो अब ये यहाँ से पेड़ पर चला जाएगा। गलत जगह छोड़ दी अपन ने वाले उसको, नहीं जंगल में ही छोड़ा है अपन ने उसको, ये पेड़ पे भी चला जाएगा। चढ़ जाएगा ऊपर। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं फॉरेस्ट का नेचुरलिस्ट गाइड हूँ, पचमढ़ी का सर्प मित्र, तो इसी प्रकार के जहरीले सांपों से मैं लोगों को बचाता हूँ। कृपया कर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।